आंदोलन में, किसानों की लड़ाई में बहुत जोर शोर से आवाज उठाए हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा कदम है। जेठ के महीने में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी तेज गर्मी में सात धुनों के बीच में तपना, एक साधु संत तो हमें तपते हुए देखे हैं लेकिन एक किसान किसान पुत्र हमने पहली बार देखा है। इस कदम की, इस तप की पूरे देश में चर्चाएं हैं, बाहर से फोन आ रहे हैं कि आपके गांव में ऐसे ऐसे किसान तपस्या पे बैठा है, ये सच्चाई है। हम कहते हैं कि बिल्कुल सच्चाई है, आप भी आओ, स्वागत है। खटकर टोल कमेटी ने गांव से एक उम्मीद मांगी है कि क्यों ना भाई रामबज को घर की जिम्मेवारियों के साथ किसानों की जिम्मेवारी जो उठाए हुए है उसको हाथ जोड़ के इस तपस्या से उठाया जाए। मैं प्रधान जी थोड़ा बताना चाहता हूँ, कल भी जैसे बदौड़ा टोल से, माइयर टोल से पांच टोलों की कमेटी आई थी जी, वो भी यही प्रस्ताव लेके आई थी। हमने उनका भी स्वागत किया और आपका भी स्वागत करते हैं और आपकी बात पे फूल चढ़ाएंगे, लेकिन हम आपसे एक बात की विनती करते हैं। हमने उनको, पूरे गांव ने मिलकर 3 तारीख का टाइम दिया है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप भी पूरी कमेटी 3 तारीख को गांव में सुबह 9-10 बजे पहुंच जाए। गांव में एक अच्छा प्रोग्राम, गांव की तरफ से पूरी उझाना खाप की तरफ से किसानों के लिए समर्पित करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। और रही बात मदद की, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, जो भी मदद करनी है आपने, पूरी चडूनी जी हैं या कोई भी और नेता, आप संपर्क कर लो, 3 तारीख का टाइम ले लो, जो भी हमारा किसान नेता आता है, ताकि होल्डिंग में हम उसकी फोटो वगैरह लगा दें, तो पूरे गांव की यही सलाह है जी। अधिकारी भाई रामबज जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद। इनके लाओ नारे, इन भाई के रामबज के लाओ नारे, क्रांतिकारी भाई रामबज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर अड़ भाई रहे बड़े प्राण भाई रामबज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे झाड़ा खाप की तरफ से गांव झाड़ा में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग नेता श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी और आसपास के गांव से आए सभी किसान नेता व नेत्रीगण, साथ में खेड़ा सपा के प्रधान 26 पहलवान जी, हम पूरी की पूरी टीम का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, खटकर टोल एक उम्मीद लेके आया था कि भाई रामबज को इस तपस्या से उठाया जाए। इनके घर में 5 बेटियां हैं, अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो उन बेटियों को हम क्या कह के दिलासा दिलाएंगे, उनका रख रखाव कैसे करेंगे। तो पूरे गांव की, पूरी खाप की एक सहमति बनी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनको भी बता दें और साथ के साथ पूरे उझाना खाप की तरफ से इनसे प्रार्थना भी करते हैं कि पूरे उझाना खाप ने, अन्य किसान नेता भी कल आए थे अलग अलग टोलों से, कुछ नेता कल को और भी आ रहे, 3 तारीख को और भी आ रहे हैं, और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं आप भी 3 तारीख को ठीक 10 बजे गांव में पहुंचने का, पहुंचकर इनको आशीर्वाद देने का काम करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं,
और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 3 तारीख को फिर आपके गांव में भाई रामभज को आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो पूरे गांव से प्रार्थना है, आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। जब भी हमारे राष्ट्रीय किसान नेता आगू हमारे बीच में आए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के और भी नेता हैं वो भी आएंगे, ताकि हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे आगू हैं उनको गर्व हो कि आप जो 6 महीने से दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं, पूरे गांव के गांव भी इसी तरह डट के गांव में भी अपना किसान आंदोलन की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो एक बार फिर श्री गुरु नाम सिंह चडूनी जी, खेड़ा तपा के प्रधान सतवीर पहलवान जी, खटकर टोल से आई पूरी कमेटी, मेरी माताएं बहने और आसपास के गांव से आए सभी किसान साथियों का जाना गांव की धरती पर पहुंचने पर बार बार धन्यवाद। और सभी से प्रार्थना है, जो भी साथी बाहर से आए चाय पानी जरूर लेके जाए।